अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग एक और रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए होममेड कैट फूड की। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, एंड डेफिनेटली आपकी कैट को बहुत पसंद आएगी और बहुत हेल्दी भी है ये उनके लिए। अच्छा, लास्ट जो हम लोगों ने बनाई थी होममेड कैट फूड की रेसिपी, बहुत सारे लोगों ने वो ट्राई की, बहुत सभी कैट्स को अच्छी भी लगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि हमारी कैट को ये इतनी पसंद नहीं आई है। तो ये जो मैं आज रेसिपी बना रही हूँ, ये इंशाल्लाह हम सबको पसंद आएगी। इसमें हमने जो चिकन का पोर्शन है, मीट का पोर्शन, वो हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। मतलब इसमें 70-80% इसमें चिकन रखा है। चिकन हम लोगों ने ये पूरा एक चेस्ट पीस लिया है बड़ा, ठीक है। इसको कट्स लगा दिए डीप ताकि ईजिली कुक हो जाए। और ये हम लोगों ने चिकन लिया है, उसमें मैंने दो छोटे मतलब बस छोटा साइज ही था, नॉर्मल सा था, बहुत छोटा भी नहीं था। दो आलू ले लिए और उसको इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है, और दो पतली पतली सी गाजरें ले ली हैं, उनको भी इस तरह से राउंड कट कर लिया है। ये जो है इसमें येलो पार्ट ज़्यादा है, ये वाला पीस मैं इधर से उठा रही हूँ। इन सब चीज़ों को अब एक साथ कुक करेंगे और फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ओके, तो प्रेशर कुकर में 2 कप पानी डालकर और ये सब चीज़ें एक साथ डाल दी हैं। और इसको मैं प्रेशर कुक इसलिए कर रही हूँ कि प्रेशर में बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। इसके लिए आप चाहें तो आप देगची में भी बना सकते हैं। और सब चीज़ें एक साथ इसलिए डालिए क्योंकि मैं इन सबको फिर ब्लेंड कर लूँगी और प्यूरे बना लूँगी इसलिए। अब मैं इसको प्रेशर कुक करती हूँ और उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको किया है 10 मिनट्स के लिए, प्रेशर कुक किया है मैंने इसको, और ये स्टॉक बन गया है। अब देखते हैं कितना स्टॉक यूज़ होगा इसकी। अब हम इसको ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लेंगे और जो बोन्स हैं इसकी बोन्स अलग कर देंगे, चिकन ऊपर से उतारेंगे, कैरेट्स डालेंगे, आलू डालेंगे और अब बनाते हैं इसकी प्यूरी। चले, मैंने ब्लेंडर में सारा चिकन भी डाल दिया है, पोटैटोज़ और कैरेट्स भी डाल दिए हैं मैंने, और अब मैं इसमें थोड़ा सा ये स्टॉक जो बचा हुआ है
ये डालूंगी और इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कैरेट्स जो है ना वो कच्ची भी डाल देते हैं बगैर पकाए हुए, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि कैट्स खाती नहीं है कच्ची गाजरें, तो लेकिन अगर आपने कच्ची ही डालनी है तो फिर आप उसको ना ग्रेट करके डाल दें, डाइट में लास्ट में मिक्स कर दें उसको, मतलब कि आप उसको कद्दूकश करके और उसको लास्ट में मिक्स कर दें इस डाइट में। ये देखें इसका टेक्सचर, देखें कितना मज़े का और रेशे वाला ये फूड लग रहा है, बहुत थिक है। ये कैट्स को इतना इसका मज़ा आएगा वो इसलिए क्योंकि ये इसमें चिकन बहुत ज़्यादा है और कैट्स जो हैं वो जो है मीट ही वो बहुत शौक से खाती होती हैं, वेजिटेबल इतना शौक से वो नहीं खाती। और जिन जिन लोगों को इशू है ना कि उनकी कैट्स होममेड डाइट नहीं खाती, तो ये मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ ये वाली डाइट वो ज़रूर खाएंगे। और अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चंस मुझे मुझे यहाँ पे क्लियर करनी है कि इस डाइट को आप कितने दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने ये फ्रिज में बना के रखी है तो जैसे अभी सीज़न है, अब सर्दी आ रही है, तो आप इसको 2 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो फ्रीज़र में आप 10 to 15 days या 2 weeks तक भी आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। तो आप बना के एक दफ़ा रख लें, बेशक आप फ्रीज कर लें, और जब भी आपने अपनी कैट्स को देना और निकाला थोड़ा सा, उसको माइक्रो किया और खिला दिया, बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बहुत अच्छा टेस्ट होगा। चलें अब हम अपने एक छोटे से किटन को ये डाइट खिलाते हैं, जो कि हमारे हमारा 1 month का किटन है, और फिर आपको दिखाते हैं कि उसको ये डाइट कैसी लगती है। टेक्सचर देखें इसका, कितना चिकन का रेशा है। ये देखें, ये पहले से बिस्किट खा रही थी, अभी अभी हम इसका रिएक्शन देखते हैं। स्मेल करवाओ। ओ हो, एक्साइटेड हो गई, एक्साइटेड हो गई। अब आप देख लें, ये 1 month ही किटन का रिएक्शन देखें, आपकी बड़ी कैट्स को भी ये बहुत मजे का लगेगा। अच्छा, ये वो डाइट है, आप 1 month से लेके ऑनवर्ड किसी भी एज में आप अपनी कैट को दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कैट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, बहुत हेल्दी डाइट है। और आपको एक चीज़ मैं ये बताऊं कि आज हम इसको ये फर्स्ट टाइम ये डाइट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी है, लेकिन माशाल्लाह फर्स्ट टाइम भी इसको इतना इंजॉय कर रही है। अपने ना 1 month के किटन को बिस्किट्स नहीं देने, बिस्किट तो इसकी मदर खा रही थी, तो ये बस अपनी माँ के साथ शुरू हो जाती है कि इतने छोटे बच्चे को बिस्किट्स देंगे तो उसकी इंटेस्टाइंस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। इस डाइट से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये ब्लेंड हुई हुई है और कैट के लिए बिल्कुल हेल्दी है। ये हम लोगों ने इतना निकाला है और ये अब हम स्कूबी को खिलाएंगे, और स्कूबी के लिए इतना इनफ है, हम लोगों ने ये वाली जो स्पून है ना ये 2 भर कर हमने निकाल लिए है इसमें। स्कूबी स्कूबी, आर यू एंजॉइंग द फूड स्कूबी? वो इतना एंजॉय कर रहा है कि वो मुझे रिप्लाई भी नहीं कर रहा। सारा खाना स्कूबी ने फिनिश कर दिया, स्कूबी। सो आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।